क्या सनी देओल की गदर से चोरी हुई है प्रभात की फौजी की कहानी? अमीषा सनी देओल की कर जोड़ी को टक्कर दे पाएगी प्रभास और मृणाल की जोड़ी? दोस्तों 2023 में 22 साल के बाद गदर का सीक्वल आया गदर 2, जिसमें इंडियन हिस्ट्री के साथ लव स्टोरी को भी दिखाया गया है। सेम स्टोरी को हमने गदर में दिखा था, वैसा ही कुछ हम प्रभास की फिल्म फौजी पे भी देखेंगे, जिसे प्रभास हन्नू राघव पुरी के साथ बना रहे हैं। भारत की आजादी से पहले की पृष्ठभूमि पर आधारित इस ऐतिहासिक एक्शन ड्रामा फिल्म का कल हैदराबाद में एक स्पेशल इवेंट में भव्य लॉन्च होगा। उसके बाद फिल्म की शूटिंग शुरू हो जाएगी। इस फिल्म का निर्माण मैत्री मूवी मेकर्स कर रहे हैं। प्रभास इस महीने से फिल्म की शूटिंग शुरू करेंगे और फौजी में एक सैनिक की भूमिका निभाएंगे, जो 1935 से 1945 के टाइम पीरियड के बीच बनेगी। र्यूमर्स के मुताबिक मृणाल ठाकुर उनकी को एक्ट्रेस हो सकती है और फिल्म में एक मजबूत लव स्टोरी भी होगी, जैसे कि गदर में हमने देखा था। अब देखना होगा कि कल्ट मूवी को प्रभास किस हद तक टक्कर दे पाएंगे। वही किसी फिल्म से कहानी को लेना कोई गलत बात नहीं होती है, लेकिन उसे ठीक से लोगों को दिखाना और स्टोरी का ओरिजिन को अलग ढंग से बिना सीन चोरी किए ऑडियंस तक पहुंचाना बहुत जरूरी होता है, अदरवाइज फिर से वही कॉपी पेस्ट हो जाएगा। इसके साथ तो प्रभास अपनी फौजी फिल्म से ब्रिगेडियर से लेकर मेजर तक के कैरेक्टर्स को चैलेंज करने वाले हैं। जी हाँ, जिसमें कि वो फौजी बनकर 22 अगस्त से शूटिंग शुरू कर रहे हैं। अब फिल्म फौजी कैरेक्टर और आजादी की टाइमलाइन पर बेस्ड है, तो ये बाकी फिल्मों की तरह रिपब्लिक डे या फिर इंडिपेंडेंस डे की डेट पर ही नेक्स्ट ईयर रिलीज हो सकती है। बात अब फिल्म लीड की करें तो फिर इसमें मृणाल और प्रभास पहली बार साथ में काम करेंगे। ये फ्रेश जोड़ी है, जैसे कि गदर में अमीषा और सनी देओल की थी और इनकी जोड़ी काफी हिट रही थी और बाई चांस लोगों ने उन्हें बहुत प्यार दिया और ये जोड़ी अभी कल्ट जोड़ी बन चुकी है। इसके चलते इनसे किसी को कंपेयर करना ठीक नहीं है, लेकिन हाँ, प्रभास में वो पोटेंशियल तो है कि वो खुद को एक कर्ट जोड़ी में तब्दील कर सकते हैं। और मृणाल तो पहले से ही लव स्टोरीज में काम कर चुकी है, जिसमें सीतारामम इनकी फेमस फिल्म है, जिसमें इनके साथ दुलकर सलमान नजर आई थी और उनके साथ इनकी केमिस्ट्री काफी पसंद की गई थी। कास्ट में इससे पहले रश्मिका को लीड में लिया गया था, पर बाद में उन्हें मृणाल ठाकुर के साथ रिप्लेस किया गया। मेकर्स का ये फैसला कितना फायदेमंद होगा, ये देखने वाली बात होने वाली है। तो आपको क्या लगता है, क्या फौजी सच में इंडिया सिनेमा की गदर को चैलेंज दे पाएगी? हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। Become an actor in Bollywood. WhatsApp hi to 8828850888.